होकर गुजरना होगा, क्योंकि वह झुंड के बीच में जो है ये गर्भवती भैंस के लिए सबसे नाजुक वक्त है। वह अपने बच्चे को जन्म दे रही है। ये तो अच्छी बात है कि भैंसों को बच्चे को जन्म देने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और यारा क्या हो रहा है? तो मैगी खा रहा है यार मेरा। ला, मुझे भी दे, बहुत भूख लगी है। ओह सॉरी यार। सॉरी? तेरा ऑफिस तेरा काम, यारों के लिए तेरे पास टाइम ही नहीं यार। ऑफिस क्या रे ऑफिस, एक दिन में तू काम करके अंबानी बन जाएगा साले। आजकल अगर मूवी का नाम भी लिया ना, तू इतनी ऑफिस में ही टांग तोड़ के लटका दूंगा, फिर करते रहियो काम। यार सैटरडे की वजह से बहुत प्रेशर था काम का। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, मैंने मूवी देख ली। तूने अकेले? हाँ तेरी तरह नहीं हूँ, गया था मार्केट से जिम्मे खरीद कर आया, देखी। तूने पायरेटेड डीवीडी खरीदी? यार दुनिया देख रही है यार, मैंने देख ली तो क्या गलती कर दी? चल तुझे याद है एक बार हम इंडिया गेट गए थे और तूने मुझसे कुछ कहा था। कहा तो था कि देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तो करेंगे। मिला तो था तुझे मौका। मिला? कब? तुझे पता है कि मूवी की टिकट पे हर फिल्म कंपनी 30% टैक्स गवर्नमेंट को भरती है, जिससे हमारी गवर्नमेंट का बहुत फायदा होता है। और हम जो ये पायरेटेड डीवीडी यूज करते हैं, अगर हम ये ना करके सीधे थिएटर में जाके मूवी देखें तो इससे हमारी गवर्नमेंट का बहुत फायदा होता है और साथ ही उनका भी, जो दिन रात मेहनत करके हमारे इंटरटेनमेंट के लिए मूवी बनाते हैं। बात तो तू सही कह रहा है, मतलब पुलिस ज्वाइन करना या फौज में जाने के अलावा भी हम इस तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं। सॉरी अक्षर, थैंक्स। चल बात तो तेरे समझ में आ गई ना, अब तो खिलाएगा मैगी। बिल्कुल यार। मुझे हमेशा दूध में दवाई मिलाकर पिलाते, इसे पता ही नहीं लगता।